तो दोस्तों रमज़ान का मुबारक महीना है और मैं इस वक्त बोरी मोहल्ले में हूँ। बोरी मोहल्ला यानी कि भेंडी बाज़ार में आता है और ठीक मेरे पीछे हैं मेहंदी चना बटाटे वाले। यहाँ के चना बटाटा रगड़ा बटाटा बहुत बहुत मशहूर हैं। तो आइए चना बटाटा और मसाले वाले आलू बनते हुए देखते हैं और थोड़ी सी गुफ्तगु या बातचीत करते हैं मेहंदी भाई से। तो मेहंदी भाई, आप यहाँ पर चना बटाटा और रगड़ा बटाटा बेचते हैं जी, जी। आप कब से इसमें हैं और बोरी मोहल्ले में कब से? बोरी मोहल्ले में मैं 84 से हूँ। ओके, 84 से मैं हूँ। हाँ, और यही मैं धंधा करता हूँ लास्ट अभी तक से। ओके, ये इतने लजीज होते हैं कि सारे लोग जो है रमजान के महीने में टूट पड़ते हैं इस पर। इस पर भी टूट पड़ते हैं। तो इसका राज क्या है? आड़े दिन में भी टूट पड़ते हैं। आड़े दिन में भी रमजान का एक महीना छोड़ के मैंने देखा 11 महीने में भी वही चीज रहती है। ये नहीं रहता है। हाँ। ऐसा वो तपेले में गिल्ला रहता है। हाँ। यानी उसमें चना बटाटा भी रहता है, तिल्ली गुर्दा रहता है, रगड़ा भी रहता है, सब आइटम रहता है उसमें। तो इसका राज क्या है इतने लजीज रगड़ा बटाटा और चना बटाटे के पीछे? बस खाली एक जवान को टेस्ट होना चाहिए बस। तो आपकी बनावट में इसका कोई लेना देना नहीं है? नहीं, बनावट में क्या, मैं अपने हाथ से खुद बनाते हैं। हाँ। आपका खुद का मसाला खुद? हाँ, का क्या, खुद अपने हाथ से। चलिए इसी तरह तरक्की करते रहें और हम सबको इसी तरह ये खिलाते रहें। चलो शुक्रिया। ये मैं चना बटाटा बना रहा हूँ। ठीक है, आपने लिया चना? चना। हाँ। और ये बटाटा लिया? बटाटा लिया। हाँ, बताओ मुझे। ठीक है, अभी आप क्या ले रहे हैं? नमक? अभी देखो धनिया जीरा। धनिया जीरा। हाँ, ये नमक। नमक। और ये मिर्ची। और इधर इमली कोकम, इमली कोकम धना जीरा सब है। बाजार भी दिल का। हाँ, ये लो। फिर मिलाएंगे इसको? हम मिलाएंगे इसको और मिला करके इसको फिर यहाँ रखेंगे। ये बन गया? हाँ बन गया। ये चना बटाटा? हाँ, लाल बटाटा। लाल बटाटा। हाँ, ठीक है। तो वापस लिया आपने? बटाटा मैं ले लूँगा। ये बटाटा है। इसमें भी धनिया जीरा। और ये नमक। और ये मिर्ची। ठीक है, और फिर वही? फिर वही अपना वही मसाला इसमें भी है। अच्छा, ठीक है, बस इतना ही। ओके, एक मिनट बताओ, ये हो गया? हो गया, बटाटा हो गया, लाल बटाटा मसाला। बटाटा मसाला भैया। ठीक है, एक मिनट। तो दोस्तों ये था मेहंदी भाई का चना बटाटा और मसाले वाले आलू। रमज़ान में ही नहीं लेकिन 11 महीने यहाँ पर उतनी ही भीड़ रहती है मेहंदी भाई के यहाँ पर और लोग उसी तरह टूट पड़ते हैं जैसे कि रमज़ान में टूट पड़ते हैं। तो जब भी आप बोरी मोहल्ले से गुजरें मेहंदी चना बटाटा वाले के पास आप ज़रूर आएँ और ज़रूर इनके ये चना बटाटा और रगड़ा बटाटा टेस्ट करें। तो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।